हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। फ्रेंड्स, आज मैं मटन अचारी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 600 ग्राम मटन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। 150 ग्राम दही, दो मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक कट किया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने छील कर बारीक कट किया है, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, 1 टीस्पून सरसों, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 4 सूखी लाल मिर्च। इन सभी आइटम्स को दरदरा पीस लेना है। मैंने सभी आइटम्स को दरदरा पीस लिया है। इसे एकदम बारीक नहीं करना है। अब इसमें दही डाल के मिक्स कर देना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। प्रेशर कुकर हमारा गरम हो गया है। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें प्याज डालना है। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें मटन डाल देना है। अब इसमें टमाटर भी डाल देना है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है। फिर इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाना है। उसके बाद इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब इसे चेक करते हैं। मटन हमारा गल गया है। अब इसे पैन में निकाल लेना है। अब इसमें दही वाला मिक्सचर डाल देना है। अब इसे मिक्स कर देना है। दही के मिक्सचर को डालने के बाद मैंने इसे 3 मिनट तक बिना ढके पकाया है। अब इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पे पकते हुए।
मटन हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देना है और हरी धनिया भी। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मटन अचारी हमारा पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।